नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने गाय की भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ा था और गाय की हमने कल दो नस्लों के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हमने गाय की एक तो नागौरी जो राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है और दूसरी हल्लीकर नस्ल के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम गाय की तीन नस्लों को कवर करेंगे। पहली करेंगे हम अमृत महल, दूसरी केनकथा और तीसरी है खेरीगढ़। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम अपनी है कौन सी है भारवाही नस्लीय है, और जिसमें भारवाही नस्ल में पहली नस्ल कौन सी है, हमारी अमृत महल है। तीन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, उसमें से पहली कौन सी है, अमृत महल। देखिए, जो अमृत महल जो नस्ल है वो गाय की नस्ल है, ये सबको पता है। दूसरी है कि गाय की कौन सी नस्ल है, तो गाय की कौन सी नस्ल है, भारवाही नस्ल है। और जो अमृत महल जो नस्ल है वो भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। अगर हम बात करें इसके उद्गम स्थान की, तो इसका जो उद्गम स्थान कहाँ पे है, मैसूर है। ये इंपॉर्टेंट, इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, मैसूर है। और भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, कौन सी है, अमृत महल। भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, दो बातें हो गई। तीसरी है, अगर हम इसके वितरण की बात करें तो ये जो मैसूर के आसपास का जो क्षेत्र वहां पर पाई जाती है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, और कई डेयरी फार्मों पे पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, भाई इसकी विशेषता क्या है, देखिए जो इसकी विशेषता है, तो इसको हम सिर और इसके सिंग के द्वारा अमृत महल को आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो इसका सिर होता है वो सिर कैसा होता है, इसका सिर लंबा और सिर लंबा होता है, और सिर का अगला भाग है जो बाहर की ओर उभरा हुआ, सिर कैसा होता है, सिर लंबा व बाहर की ओर उभरा हुआ। सिर का अगला भाग बाहर की ओर उभरा हुआ, जिस पर बीच में नाली सी बनी होती है, बीच में नाली सी बनी होती है। और हम बात करें जो इसके सींग है जो पोल के ऊपरी भाग से निकलते हैं, सींग पोल के ऊपरी भाग से निकलते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, और ऊपर से कैसे होते हैं, नुकीले, वे ऊपर से नुकीले होते हैं। बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग है जो कैसा पाया जाता है, धूसर रंग होता है, कौन सा, धूसर रंग वह सफेद होता है। और शरीर है जो सुगठित होता है, और कमर सीधी और मजबूत होती है। कमर सीधी होती है,
मजबूत होते हैं, नर है जो लगभग 500, और जो मादा कितने की होती है, 300 केजी की होती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी पहली नस्ल कौन सी है, पहली नस्ल है कौन सी हमारी, अमृत महल नस्ल है। जो अमृत महल नस्ल है, जो भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है, अमृत महल नस्ल है। दूसरा है कि अमृत महल है जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो कौन सा है, मैसूर हो गया। अगर हम बात करें कि इस नस्ल है इसकी विशेषता क्या है, तो जो ये अमृत महल जो नस्ल होती है उसके जो सिर और सींग के द्वारा हम इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका सिर होता है वो लंबा होता है, और सिर का जो अगला भाग होता है उभरा हुआ होता है, जिसके बीच में नाली सी बनी होती है। अगर बात करें इसके सींग, तो सींग पोल के ऊपरी भाग से निकलते हुए पीछे की ओर मुड़े हुए वो ऊपर से नुकीला होता है। रंग की बात करें हम इसका, तो इसका रंग कैसा होता है, इसका धूसर रंग होता है और सफेद कलर का होता है। शरीर सुगठित होता है और कमर सीधी होती है। अब तीसरी देखिए हम इसकी अगर यूटिलिटी की बात करें, और जो आयन होते हैं वो अविकसित होते हैं, सॉरी अविकसित तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसके लिए ये मिल्क प्रोडक्शन इनको बहुत ही कम मात्रा में होता है। दूसरी चीज ये है, अगर ये भारवाही नस्ल है तो इसके बैल है जो वाहन ढोने के और खेती करने के काम में अच्छे माने जाते हैं। यह लिख देता हूं मैं। अगर इसकी यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी तो देखिए जो दूध है वो तो बहुत ही कम प्रोडक्शन होगा। दूसरी है इसके जो बैल है, बैल खेती के काम में आते हैं, भार ढोने के काम में आते हैं। रब अब दूसरी हमारी कौन सी भेड़ है, वो कौन सी भेड़ हमारी, केन कथा। दूसरी हमारी कौन सी है, केन कथा। अगर इसका केन कथा का अगर हम उत्पत्ति स्थान देखें, तो इसका क्या है, उत्तर प्रदेश का बुलदेलगढ़ मतलब बुलदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलगढ़, इसका क्या है ओरिजिन पहले से। देखिए जो हमारी दूसरी है गाय की नस्ल कौन सी है, कैनकता है। जो कैनकता नस्ल है किसकी है, गाय की नस्ल है। कैसी है, तो भारवाही नस्ल है। तो उसका बात करें हम, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इसका क्या है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। अगर हम बात करें इसके वितरण की, अगर हम बात करें तो यह यूपी के साथ साथ कहाँ पे पाई जाती है, एमपी के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, हम बात करें अगर इसकी विशेषताओं की, देखिए जो इसकी विशेषता होती है, अगर इसके रंग देखें तो धूसर होता है और गहरा धूसर होता है, धूसर में गहरा मतलब धूसर होता है। इसका रंग कैसा होता है, धूसर होता है। दूसरी बात करें इसका सिर, मतलब जो एक कैनकथा जो गाय होती है वो कौन कैसी होती है, छोटे कद की होती है। इसमें देखिए जो सींग कैसे होते हैं, छोटे, कान छोटे व लटकते लटकते हुए लो जी। और जो इसके जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। पैर छोटे व मजबूत, और क्या रह गया इसमें, हाँ छोटी टांगे होती है। पूंछ है जो जिसका लास्ट का जो भाग है वो कैसा होता है, मतलब काले रंग का होता है। पूंछ का, पूंछ लंबी व आखिरी भाग का गुच्छा जिसे बोलते हैं वो कैसा होता है, काले रंग का होता है।
और कान है जो इसके छोटे होते हैं, सींग हो ही गया, रंग हो ही गया और शक्तिशाली होते हैं। अगर हम इसकी बात करें नर की, तो नर कितना होता है 350 kg का, और जो मादा होती है वो लगभग 300 kg की होती है। बात करें अगर हम यूटिलिटी की, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो चारा कम संख्या में खाते हैं, जिससे आर्थिक हानि ज्यादा नहीं होती। चारा कम खाते हैं जिससे आर्थिक हानि से बचा जा सकता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। अगर हम इस नस्ल के जो आयन होते हैं, आयन भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। आयन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। आयन छोटे होते हैं और मिल्क प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, ये मान लो आप, बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जो इसके जो बैल है वही छोटे कद की है, तो खेती के लिए काम में आएगी और सवारी के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। मतलब जो बैल होते हैं वो तो कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तीसरी जो हमारी नस्ल है कौन सी है, खेरीगढ़। खेरीगढ़ नस्ल है, इसका अगर हम उत्पत्ति स्थान देखें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है इसका उत्पत्ति स्थान, उत्तर प्रदेश का एक तो खैरी और लखीमपुर, खेरी और लखीमपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, खेरी और लखीमपुर का खेरीगढ़ परगना, खेरीगढ़ परगना में यह इसका क्या है, मूल स्थान है। बात करें इसके प्रमुख लक्षण या इसकी विशेषताओं, तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं क्या रंग, तो रंग कैसा होता है इसका, सफेद। दूसरा है इसका सिर है जो छोटा तथा संकरा होता है, सिर छोटा छोटा तथा संकरा। तीसरा है आंखें चमकीली, कान छोटे, सींग ऊपर खड़े व नुकीले, सींग ऊपर खड़े व नुकीले होते हैं, टांगे हल्की और पूंछ लंबी, टांगे हल्की व पूंछ लंबी, और जिसका जो लास्ट भाग होता है वो कैसा होता है, सफेद कलर का होता है पूंछ का। पूंछ कैसी होती है, लंबी, और जिसका लास्ट का भाग कैसा होता है, सफेद। और आयन हो है जो छोटे होते हैं, मतलब बहुत ही कम विकसित होते हैं। दूसरी है नर है जिसका वजन कितना होता है, 475 kg, और जो मादा है उसका होता है 340 kg। बात करें अगर हम इसकी यूटिलिटी की, तो इसके दुल की चाल की हल्की कार्य के लिए सफलतापूर्वक होती है। यूटिलिटी में जो इसकी दुल की चाल होती है, दुल की चाल वे हल्के कार्य, ये हमारी तीनों ब्रीड होती है कंप्लीट। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो देखिए हमारी आज हमने गाय की तीन नस्लें पढ़ी। एक तो पहली थी हमारी अमृतमहल, दूसरी थी केन कथा, और जो दूसरी और तीसरी कौन सी है हमारी, खेरीगढ़ है। देखिए जो खेरीगढ़ जो नस्ल है
उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो दुल की चाल होती है के लिए कौन, दुल की जो चाल होती है उसके लिए कौन सी गाय की नस्ल प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी है, खेरीगढ़ है। दूसरी, जो खेरीगढ़ का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दूसरी, अगर हम बात करें केन खता की, तो जो केन खता में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि ये चारा कम खाती है, तो चारा कम खाती है जिससे आर्थिक हानि कम होती है। दो, और इसका जो उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें कि अमृत महल जो नस्ल है, देखिए अमृत महल में से क्वेश्चन आ सकता है कि जो अमृत महल है वो भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है, अमृत महल है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, भारवाही नस्ल कौन सी है, तो कौन सी है, नागौरी है, जो हमने आपको कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और जो ये जो नस्लें होती हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। आयन है जो मतलब विकसित होते हैं लेकिन बहुत ही कम इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है। इनकी बैलों की बात करें तो बैल खेती और जुताई और परिवहन तीनों के लिए काम में आ सकते हैं। दूसरा है कि जो ये है केन खता है, जो कैसी होती है, छोटे कद की होती है, मतलब ज्यादा चारा भी नहीं खाती है, तो ज्यादा ज्यादा मतलब बड़ी नस्ल नहीं होती है। आप वेट देख लीजिए, लगभग 300 और 350 इसका वजन होता है। अब बात करें कि जो अमृत महल जो नस्ल है, जो अमृत महल को हम आसानी से सींग के द्वारा और इसके जो सिर है उसके द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।